देख सकते हैं कि इनके प्याज कट चुके हैं। इतने से प्याज का क्या करेंगे? पागल हो, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप गिरा के। मम्मी हींग है ना? राम राम, जय मां करनी, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। एक्चुअली जो मेरे दादा है उनका पहला त्योहार है, तो इसमें आज होली है। तो होली भी क्या होता है ना कि मतलब मम्मी और खाना नहीं बना सकते, तो खाना बनाना पड़ता है घर की बहन बेटियों को, ठीक है। तो मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, तो फिर मैंने क्या किया, हमारे साथ में है दिया, ठीक है। तो दिया को मैंने बोल दिया बहन तू बना ले, मतलब दाल चावल का भोग लगता है, तो इसको तो प्याज काटने का काम दे दिया। और इसमें क्या चढ़ाई है? चावल चढ़ा दिया, तो दाल चावल बना देगी मम्मी। और हमारे पास है अक्कू, तो अक्कू को मैं सिखाऊंगी दाल बनाना कि दाल कैसे बनती है। तो अब अक्कू की मम्मी आप ब्लॉग देखना, और घर पे तो काम नहीं करती ना, देखो मैं इसको काम सिखाऊंगी। अगर आप बोल रहे हो अक्कू को काम सिखा कर, तो मैं अक्कू को काम सिखाऊंगी, ठीक है। तो दाल बनाना सिखाऊंगी, बोलो मैं उनको प्याज काटना सिखा रही हूँ चॉपर पे। अरे ये कैसे प्याज है, कटी नहीं रहे प्याज? सही है, तू काट ढंग से नहीं रही। अब अक्षिता की बारी प्याज काटने की, ढंग से काट इधर आके। हाँ तभी कट रहे हैं प्याज। और इसमें इन लोगों ने चढ़ा दिए चावल, क्योंकि चावल छोटे छोटे काटने हैं ना। हाँ छोटे छोटे नहीं काटने, बड़े बड़े काटने, छूकर लगेगा। प्याज काटने का प्रोसेस चल रहा है, दोनों की दोनों लग रही है। और मैं इनको सिखा रही हूँ दाल बनाना, देखा बहुत शानदार दाल बनेगी, मेरे को पता है, मेरे को विश्वास रखो आपसे, मेरे को दाल बनानी बहुत अच्छे से आती है। हाँ कोई और ब्लॉग नहीं मिला क्या आपको? सबको पता लगना चाहिए, तेरे को भी काम करना आता है, सबको ऐसा लगता है, कुक कुछ भी काम नहीं आता, और दिया को भी सबको ऐसा लगता है, दिया कुछ भी काम नहीं करती, खाट दिन सारे डांस डांस करती रहती है, ठीक है। कुछ भी देख, मैं मेरे को विश्वास रखो, सबको काम करना आता है, ये सब काम में माहिर है। अंदर जाओ, चलो प्याज कटने के बाद मेरे को बुला लेना, क्या मैं इंस्पेक्शन करना चाहिए कि वो किस प्रोसेस तक पहुंच चुके हैं। तो चलो अंदर चलते हैं वापस। तो आप लोग कहाँ तक पहुंचे? ओके प्याज कट चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इनके प्याज कट चुके हैं। इतने से प्याज का क्या करेंगे? पागल हो, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप गिरा के। पागल है क्या बिल्कुल? इसको ढक्के कौन ढकता है? तो ढक्के रखेंगे ना, तो ढक्के वो ऊपर, वो तभी तो वो उसका भाप बनती है, तो उड़ेगा ना ऊपर, उड़ेगा कुछ नहीं हुआ मेरे, तो भूत नहीं आ गई। अब क्या करना है, अब लेना है। हाँ मम्मी, यस कुनकुन, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे मैं कह रहा हूँ वो चंग बजा लेगा, चंग शॉप पे पड़ा है, तेरी मम्मी होगा, मैं तो बजा लूंगी। हाय, क्या बोल रहा? ये हमारी मम्मी भी आ गई, ये हमारे बापू भी आ गया। एक्चुअली बात ये थी कि जैसे दादा को पहले जो आना था, हम लोग चंग नहीं बजा सकते, इसलिए तो मम्मी ने उनको समझा दिया। अब है ना दिया कुमारी, समझा दिया। मम्मी लेके आई मेरे लिए भिंडी की सब्जी, मैं खाऊंगी भिंडी। मम्मी मेरे लिए अलग से भिंडी और गोभी, दोनों मेरी फेवरेट है। थैंक यू सो मच मम्मी, यू आर माय रियली ब्यूटीफुल लेडी। इसको मैं काटूं? तो और कौन काटे? मैं दो मिनट में काट सकती हूँ इस भिंडी को। काटो, लाओ दे। मैंने जलाई गैस बड़ी शिद्दत के साथ में, दिया ने चढ़ाया कुकर। अरे इस पे चढ़ाने कुकर, उस पे चढ़ाने कुकर, इस पे चढ़ाने। ओके, तो अब इसको पकड़ना नहीं आ रहा, गंदा। अरे इनको कुछ भी नहीं आता, किसी को भी। हाँ मेरे को करने दो, गैस क्यों बाल रही है? और उस पर कुकर चढ़ा दे। वेरी गुड, इसमें डालो अब तेल, वो रहा तेल। हाँ हाँ, इससे डाल दे, इसमें डालना तेल। ये आ गई हमारी मम्मी, मम्मी मैं दाल बनाना सिखा रही हूँ इनको। हाँ इसमें डालनी है अब तेल, बस। अरे और भी डाले, दिख ही नहीं रहा, ऐसे पानी पानी दिख रहा है। बस 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 बस, हाँ बहुत बहुत बस बस बस। अब ये जब ये गर्म हो जाए तब इसमें डालना है जीरा, उसको इसमें डालना है जीरा,
मम्मी सब्जी नहीं, मसाले का वो कहा है ये जी वो पड़ा ना। लो मम्मी मसाला डालने लो मम्मी ठीक है। हाँ वही मसाला दान नहीं दिया। अरे तो तेल तो पहले मुझे दो। थैंक गॉड मम्मी ने से बोल दिया भिंडी की सब्जी मैं बना दूंगी, बट भिंडी की सब्जी मुझे बनानी आती है तो मैं अभी बना नहीं सकती, मैं एडिट करूंगी ना फिर ब्लॉग को इसलिए। और ये पाचा नहीं नीचे की गिर जाए। आप तो दूर रहो। क्यों रहो दूर, मैं सिखा रही हूँ सब्जी बनाना यू नो। तू कहाँ गई? हाँ अब डालना इसमें जीरा। वेरी गुड। अरे तेल तेल तो ताता होने देती हूँ, तेल तो गर्म होने दे, अब वो बल जाएगा। नहीं बलेगा, बलेगा गिर रहा देखो क्या गिर रहा। इसको हटाना पड़ेगा। इसको यार डिस्टर्ब कर रही हो, आप इसे दूर रहोगे। मैं सिखा रही हूँ बनाना। वो चम्मच लेना ना। लोग आई जैसे देख लो आप लोग आई कोई रतन की रसोई में आ जाए ना हंस हंस के पागल हो जाए। हाँ इंग डाल ली, ऐसे खुशबू आती है। थोड़ी सी डालना, पूरा डब्बा भर के मत डाल देना, बिल्कुल चिन्नी से डाल दे। बस 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 ये है भी क्या? हाँ हाँ बस 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 डाल दे, सूंघने दे। और हमारे नाक में सूंघ के देख ले, देख चिटके डालते हैं ऐसे लो। अरे ये हींग डाले सच्ची, ऐसे करो। अरे ये हींग नहीं है तो क्या? ऐसे करो ये हींग ही है कुछ। अरे हींग ही है, लिखा हुआ तो हींग ही है, तो हींग ही होगी ना। पहले मम्मी से पूछ के आते, मैंने तो डाल भी दिया। मम्मी हींग है ना? हींग ही है तो गलत। मोटा सोटो है हींग की डब्बी। सुनो ओ इसमें मीठा सोडा था, मीठा सोडा मुझे क्या पता, खुशबू तो इंक ही आ रही थी उसमें। भाई साहब इंक के जगह मीठा सोडा डाल दिया, मुझे तो पता भी नहीं। तो मीठा सोडा एक बार तो डाल दिया, थोड़ा सा डाला, मैंने डाल दिया। अरे यार अब क्या करूं यार, इसमें खुशबू तो इंक ही आ रही है। लेकिन अरे तो डब्बी है, मम्मियों का अपन कुछ भी नहीं कर सकते। कौन सा मैं कौन सी चीज डाल रही हूं इसे धो के। इसको भैया इरिटेट हो गया यार। तू बीच में क्या कर रहा है? तो इसको दाल को धोने का मेरे को टाइम दिया है। गाइस मम्मी दाल धो के ला रही है, मम्मी बोली मैं धो दूंगी कोई बात नहीं। खुशबू तो अच्छी आ रही है। मासी मासो सा आप लोग भी देख लो, आपकी बेटी आज दाल बना रही है मीठे सोडे के साथ में। और इधर अक्कू बना रही है चावल। अरे ओ इसको सीधा तो पकड़। अरे पाटा दे दे अभी, इसको सीधा तो पकड़, उल्टा पकड़। मम्मी ने इसके लिए बोला चल यार नीचे नहीं लगे इसलिए बोला है मम्मी ने। मम्मी थोड़ी दाल और मेरे को दाल बना सिखा रही हूँ। डाल दिया दाल लाओ ना। अरे दाल लाओ दाल मम्मी दाल, मैं दाल धो के लिए ले लो। हाँ डाल दो पूरा, चल डाल दे फिर पानी डाल। पानी भी डालना है तो ये ले लो यार आप। हाँ डाल दो डाल दो, पूरी बोतल नहीं डाल ली, डाल थोड़ी सी है। लो एक बार चेक करो चावल हुए क्या, मेरे को कैसे पता लगेगा? ऐसे पिचका के देख ले। पिचक गए? नहीं नहीं हुए। दाल का सत्य ना, दाल का कैसे दिखाना? मुझे पानी डालो। ये दाल बनी है कोई? इसमें पानी डाल के ढक्कन लगा के रख दे, बस बन जाएगी 2 मिनट में। देखो पानी बहुत ही बड़ा है। अरे फोन तो रख दो एक बार ये। अरे बस अभी पानी सौंक जाएगा, अब तू बस इसको ढक्कन लगा के रख दे। वैसे पानी पर इसमें और डाल सकते हैं। अरे अरे पानी डाल सकते हैं इसमें और, तभी तो सौंकेगा। भाभी का यहाँ गया, मेरी भाभी का क्या बना रही है? दाल बनाने आती थी भाभी का, दाल बनाने आती ले आजा बना फिर। अरे क्या बना दाल? अरे वो देख लेना
ढक्कन लगा दो, ढक्कन लपड़ लपड़ बता रहे हो भाई रसोई में, रसोई में लपड़ नहीं मार डोल दी तेरे को ढकना लगाना भी नहीं आता इतनी बड़ी आपको नहीं आती आती है ठीक है अब थोड़ी देर इसको छोड़ दो ये भाई, तब तक यहाँ से वो पानी बजेगी तब गैस निकलेगी, तब गैस निकलेगी ना, मेरा सिर्फ दाल तक का साथ था भाई। हमारी दाल में हमारी दाल में बुबाड़ी आ चुकी है, सॉरी सिटी सिटी आ चुकी है, आप लोग सुन सकते हैं आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं मिलती। और यहाँ पे भिंडी कटाई का काम चल रहा है और ये मम्मी ऊपर ऊपर कहाँ चढ़ रहे हो, पागल हो गए क्या बिल्कुल ही, ओ देख लो मम्मी कहाँ चढ़ गई, पागल हो पड़ जाओगे तो हमारे तो अदर हो जाओगे। और यहाँ पे बड़ी दाल ऑलमोस्ट बन चुकी है, और हमारी मम्मी चढ़ रखी है ऊपर क्योंकि पूजा का टाइम हो गया, पूजा करेंगे ये देखो। हमने सच्चाई उजागर हो रही है, लड़की बोल रही है कि दाल मैंने नहीं बनाई, निकू जीजा ने बनाई है, इन्होंने कहा था दाल बनाने के लिए। गाइस आपसे बताइए दाल किसने बनाई है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। और दाल की शक्ल मैं बहुत जल्दी आप सबको बताने वाली हूँ अभी, तो दाल बनाई है इसी लड़की ने और मैंने बिल्कुल भी नहीं सिखाई इसको दाल बनाने, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, वही डाला था वो, तूने डाला था वो, मेरे तो आंगले पे आई नहीं वो मीठा सोडा बिल्कुल भी। अक्कू ने बनाई है दाल, दाल तो बन गई, शक्ल तो देख सकते हैं। चलो सो इंस्पेक्शन करते हैं अपन दाल कैसी बनी, चलो हटो हम दाल देखने जाते हैं। चलो ये चमचा हटाओ और ये दाल दिख तो रही है, दाल में खुशबू सूंघने तो कैसी आ रही है, अच्छी आ रही खुशबू तो है ना, मतलब अच्छी बनी, मतलब मैंने अच्छी बनाई है दाल, थैंक यू बोलो सब मेरे को, अभी देखना गंदी हो रही है ना दूसरी वीडियो बोलेंगे किसने बनाई है। नहीं नहीं मैं इतनी बेकार नहीं हूँ। तो गाइस दाल बन चुकी है, बहुत अच्छी बनी है, यहाँ तक का सफर था हमारा, थैंक यू सो मच। आप बताएगा कि आप लोगों को दिया की बनाई हुई दाल कैसी लगी, जय माँ करने।